खुशी रहो, आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। नोटबंदी में विकास ने खेला था ब्लैक एंड व्हाइट का खेल और उस दौरान ही अभी जांच के दौरान काफी सारे खुलासे सामने आ रहे हैं। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला जो कि विकास दुबे को लेके आ रहा है, क्योंकि विकास दुबे एक बहुत बड़ी सुर्खी बन चुका है जिसकी हर एक जगह पर बात हो रही है, क्योंकि एनकाउंटर के बाद काफी सारी ऑपोजिट पार्टीज है, काफी सारे लोग हैं जो कि इसको सही बोल रहे हैं और काफी सारे लोग जो हैं वो इसको गलत भी बोल रहे हैं। चलिए पूरी अपडेट देते हैं कि अभी ब्लैक एंड व्हाइट का क्या खेल है जो कि सामने निकल के आ रहा है। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इसके जरिए हम आगे की भी लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले लेके आ पाए। इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। गैंगस्टर विकास दुबे का खेल भले ही खत्म हो गया हो, उनका एनकाउंटर हो गया हो, पर उसी के साथ साथ जो काला धंधा वो करते थे उसकी परतें जो है वो एक एक करके खुलती जा रही है। और उस दौरान ही एक कड़ी जो है वो एनकाउंटर के साथ साथ विकास दुबे के संपर्क में जो लोग आए हैं उनके बारे में छानबीन की जा रही है। इस दौरान ही जो कि ईडी जो है उन्होंने यूपी पुलिस से एक्चुअली में सब डिटेल्स मांगी है, विकास दुबे के इनकाउंटर की डिटेल्स मांगी गई है, विकास दुबे के साथ कौन कौन काम करता था उसकी डिटेल मांगी गई है, विकास दुबे की कितनी प्रॉपर्टी थी, कहां पर प्रॉपर्टी थी उनकी डिटेल मांगी गई है, यानी कि बारीक से बारीक जो भी चीजें हैं उसको खंगाला जा रहा है। उसी दौरान ही हम आपको ये चीज बता दें कि विकास दुबे ने जब नोटबंदी हुई थी तब उस दौरान ही 50 करोड़ रुपया ब्लैक से व्हाइट किया था, और इस दौरान ही जो उनके फाइनेंस जो कि उनके वकील थे जय बाजपाई, उन्होंने इनकी मदद की थी। और बोला जा रहा है कि काफी सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं कानपुर में जो कि उनके साथ जो कि विकास दुबे के साथ रहते थे और अपना काला जो पैसा होता था वो एक्चुअली उनके हाथ से वो व्हाइट करवाते थे और उस दौरान पार्टीज वगैरह खरीदा जाता था। यानी कि इसमें काफी सारे ऐसे नेता है, काफी सारे ऐसे बिजनेसमैन है जिनके नाम सामने निकल के आ रहे हैं, और उस दौरान ही धीरे धीरे जो पुलिस है वो काफी बड़ी अभी खंगाल कर रही है और काफी बड़े बड़े जो बातें हैं वो बाहर निकल के आ रही है। रिचा दुबे जो है उनकी बीवी थी विकास दुबे की, उसके साथ पूछताछ हो रही है। उस दौरान ही काफी सारे लोग हैं, प्रॉपर्टीज के लोग हैं, काफी सारे बिल्डर्स हैं जिनके नाम सामने निकल के आए हैं, इनके बारे में अभी बातचीत की कर रही है पुलिस और भी सब चीजें बाहर निकल के आएगी। हालांकि आप लोगों को हमारी तरफ से अपडेट काफी ज्यादा लेटेस्ट लगी होगी, आगे की और भी लेटेस्ट अपडेट हम लोग आपके पास जल्द से जल्द लेके आ रहे हैं। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।